हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित सौदा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पंजाब नेशनल का एटीएम से बैलेंस विड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल मैं पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम में आ चुका हूँ। एटीएम में आने के बाद देखिए, ये कार्ड रीडर है, इसमें एटीएम कार्ड को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एलईडी स्क्रीन पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, देखिए प्लीज वेट दिखा रहा है। दिखाने के बाद देखिए, इधर तीनों ऑप्शन आ चुका है कि प्लीज सिलेक्ट योर लैंग्वेज, मतलब कि आप आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहेंगे तो हिंदी और बंगाली को भी चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंग्लिश के बाजू में जो बटन है उसमें प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद देखिए, इधर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई फॉर बैंकिंग प्रोडक्ट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, पिन चेंज, बैलेंस चेंज करें, मिस्टर, बहुत सारा ऑप्शन है। तो कैश विड्रॉल करने के लिए सिंपली कैश विड्रॉल के बाजू में जो एक वाइट का बटन है उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद देखिए, इधर दिखा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट योर अकाउंट, आपका अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है और आप क्रेडिट कार्ड से बैलेंस विड्रॉल कर ले हो। तो फिलहाल मैं सेविंग्स अकाउंट से बैलेंस विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं सेविंग्स अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद देखिए, एक नया ऑप्शन आ चुका है, डू यू वॉन्ट अ रिसिप्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब कि आप ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कि बैलेंस विड्रॉल कर रहे हैं, ये करने के बाद आपको स्लिप चाहिए या नहीं, मतलब जो रिसिप्ट होता है। तो इस एटीएम का जो रिसीव मशीन था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने इस पर नो क्लिक कर देता हूँ। नो करने के बाद देखिए, इधर दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर योर अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो इधर दे देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं 10,000 विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैं 10,000 दे देता हूँ। 10,000 देने के बाद देखिए, राइट साइडिंग में जो प्रोसेस वाला ऑप्शन है, इसमें आप अगर आपसे गलत बैठ गया है, मतलब कि आप अगर 10,000 नहीं, आप 1,000 उठाना चाहते थे और 10,000 आपने बैठा दिया इधर, तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो, देखिए प्रोसेस के एकदम नीचे में ही एक क्लियर करके ऑप्शन है, इसमें क्लियर करके आप दोबारा से ये अमाउंट को दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रोसेस पे प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद देखिए, इधर दिखा रहा है कि प्लीज़ एंटर योर पिन, आपका कार्ड का जो भी पिन होगा, फिलहाल मैं मेरा पिन दे देता हूँ। पिन देने के बाद देखिए, राइट साइड में जो प्रेस हेयर करके ऑप्शन है, इसमें बटन को प्रेस कर देना है। तो फिलहाल मैं प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद देखिए, इधर दिखा है कि योर ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट। थोड़ा वेट करने के बाद एटीएम से बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे एटीएम से बैलेंस निकल रहा है, देखिए मेरा बैलेंस आ चुका है। ऐसे इजी तरीके से आप बैलेंस विड्रॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारा कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।